हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको बता रहा हूँ वाटर कलर बेसिक मेथड। यहाँ पे वाटर कलर कैसे कंपोज करना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे वाटर कलर लेयर लेना है, मैं आज आपको दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बेसिक वाटर कलर। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि वाटर कलर कैसे करना रहता है। और यहाँ पे हमने एक वाइट पेज ली है, एक कार्ड शीट्स है। तो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, आप कितना स्पेस में ड्राइंग करना चाहते हो। अभी आपको साइंस डायग्राम भी आता है, वहाँ पे पेज में आप कितना स्पेस बचा रहता है उसमें, उसके अंदर ही ड्राइंग करना रहता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको कितना स्पेस है उसमें ड्राइंग कैसे फिट करना है। तो हम की स्केच फर्स्ट रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट किया हूँ कि यहाँ पे एक छोटा घर लेंगे, यहाँ पे बड़ा सा ट्रीज और बैकग्राउंड में स्काई माउंटेन ऐसे लेना, ऐसे प्लान करेंगे पहले। उसका रफ की स्केच एकदम लाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ड्राइंग करने से कभी गलती नहीं होता रहता है। ये बहुत ही जरूरी है, साइंस डायग्राम्स करते रहते हो तब। आपको बहुत आसानी से ड्राइंग हो जाता है और बिल्कुल गलती नहीं होता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे इरेजर यूज़ करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, एकदम लाइट है, आपको लाइटली दिखा रहा है यहाँ पे थोड़े थोड़े। थोड़ा सा हम ड्राइंग कंफर्म हो गए कि हम इतना ही चाहिए बस, तो कुछ गलती हुआ तो अभी थोड़े से इरेज कर सकते हैं आप लोग, पेपर ख़राब भी नहीं हो जाएगा क्योंकि लाइट ड्राइंग है इसलिए। तो 2 मिनट में हम डार्क भी हो जाता है, किधर चाहिए उधर डार्क करो, किधर नहीं चाहिए आपको समझ में आता रहे तो आप छोड़ सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल ड्राइंग है, हम यहाँ पे इस एक सिंपल लैंडस्केप घर नेचर का थोड़े पार्ट माउंटेन ट्रीज वैसे लिए है। वाटर कलर फर्स्ट अप्लाई कैसे करना है, कैसे कलर्स यूज़ करना है, क्या क्या मेथड्स हम यहाँ पे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब हम यहाँ पे देखना है। तो जो स्टार्टिंग में वाटर कलर्स या कलरिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए है। चलो हमारा हो गया अभी एक छोटा सा घर और बैकग्राउंड में माउंटेन ट्रीज और इतना स्काई का प्लेस, एक ग्राउंड है। तो फर्स्ट स्टेप्स हमें ध्यान रखा था कि कितना स्पेस में हमें ड्राइंग बिठाना है। मुझे यहाँ पे घर माउंटेन्स और स्काई के लिए बड़ा प्लेस भी छोड़ा, मैंने ग्राउंड के लिए भी प्लेस छोड़ा। यहाँ पे घर नीचे लिए ग्राउंड ही नहीं बचा, पूरा बड़ा स्काई हो गया, वो भी मिस्टेक, वो कंपोज नहीं दिखता है। हमें बहुत ध्यान देना है कंपोज कैसे करना है। तो लाइट ड्राइंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक्स बहुत कम होते रहते हैं और आपको टाइमिंग बहुत बच जाता है। ओके चलो हम अभी कलर स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है देखेंगे। तो कलर का स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, आप वाटर कलर करो, कौन सा भी मीडिया कलरिंग करो, कलरिंग करते वक्त या पेस्टिल से करो या वाटर कलर से करो, पोस्टर कलर एक्रेलिक, कौन सा भी मीडिया ले लो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पीछे है वो पार्ट करते आने का, पीछे से आगे आते जाना, वो आपको आसान हो जाएगा और मिस्टेक्स कम हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पीछे हमारा स्काई, तो लाइट स्काई को कलर वॉश करेंगे। तो ऊपर साइड में थोड़ा सा डार्क, यहाँ पे मैंने वाटर कलर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लिया हूँ, देखो पानी ज़्यादा है और कलर बहुत कम है। मैं ट्री के ऊपर भी थोड़े बहुत यहाँ पे लिया कलरिंग ऐसे, तो
ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम ले सकते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे ट्री हमारा डार्क आने वाला है, तो इसलिए हम अभी उसके ऊपर गए तो भी चलता है। आप ऐसे ट्री को कट करके कलर लिए, तब तक आपका बहुत सारा टाइमिंग वेस्ट होता है और यहाँ पे पैचेस पड़ सकते हैं, इसलिए बहुत पानी लेके थोड़ा सा कलर लेके मैंने अप्लाई किया। अभी थोड़ा हमारा माउंटेन, अभी आप थोड़ा सा डार्क करना है माउंटेन हमें। थोड़ा ब्लूइश पर्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी हमारे से बहुत दूर रहता है वो ज़्यादा ब्लर में दिखता रहता है। यहाँ पे जो भी ट्रीज आता है वो भी मैं डार्क में ही ले रहा हूँ थोड़ा सा, एक दूसरे ब्लर हुआ तो चल जाता है। ये बेसिक फर्स्ट स्टेप्स हैं, तो हम ये वॉश मेथड ही है, तो हम एक एक ऐसे करके वॉश करते आ रहे हैं। कलर वॉश करना वो सबसे फर्स्ट स्टेप में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी यहाँ पे आपको लगता रहता है कलर ज़्यादा हुआ कम हुआ, ऐसे कुछ भी नहीं, वो एक स्टेप में आप कर दो, ड्राई होने के लिए उसको टाइमिंग दे दो, इतना। अभी हम लेंगे बैकग्राउंड का ट्री पार्ट, उसके बाद आएगा घर, उसके बाद आएगा हमारे सामने लैंड। तो बैकग्राउंड ट्री मैंने शार्प ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे अभी क्या है, वाटर कलर का मैंने स्काई रेडी किया था ना, एकदम पानी ज़्यादा लेके, वो अभी ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद मैं ये ट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट शार्प ग्रीन लिया, उसके बाद शार्प ग्रीन में थोड़ा सा डीप ग्रीन कलर मिक्स किया। आपके पास डीप ग्रीन नहीं है तो भी आप कौन सा भी एक पर्शियन ब्लू वैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बस ऐसे पैचेस करते आना है आपको। देखो कलर की मात्रा ज़्यादा है, पानी और कलर दोनों भी ज़्यादा है, बहुत थिक नहीं बनाना है। थिक बनाए तो आपको करने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है, और जैसे नीचे आते रहते हैं हम, थोड़ा सा शार्प ग्रीन में थोड़ा थोड़ा ब्लू मिक्स कर रहा हूँ मैं, और कहाँ कहाँ तो ऐसे पैच। यहाँ पे कलर भी सेम है, पानी भी उतना ही है। मैं और थोड़ा ब्लू ज़्यादा लेता हूँ इसमें, और थोड़ा डार्क बनाया, और पानी थोड़ा सा कम, कलर ज़्यादा। ऐसे छोटे छोटे डॉट रख सकते हैं इसे, और भी बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, मैंने यहाँ पे ड्राई होने के लिए टाइम दिया था। जैसे ड्राई हो गया तो अभी मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट
ऊपर साइड थोड़ा सा लाइट करना है, तो यहाँ पे हम ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं आप, नहीं तो आपके रेड, इसमें थोड़ा सा येल्लो मिक्स करो, थोड़ा लाइट दिखेगा वो। इस साइड लेना है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन ले तो चलेगा, नहीं तो वही रेड में थोड़ा सा ब्लू। तो ये सब ड्राई होने तक हमें छोड़ना है थोड़ा देर। उसके बाद यहाँ पे दो वॉल है, एक वॉल लाइट लेना है कलर वही सेम, दूसरा वॉल को डार्क कलर लेना है, क्योंकि हमारा लाइटिंग एक सनलाइट इस साइड से आ रहा है, तो इस साइड वॉल एक तो डार्क रहेगा, एक लाइट दिखेगा। डार्क वॉल के लिए मैंने डार्क येल्लो ले रहा हूँ यहाँ पे। अपोजिट वॉल के लिए एकदम लाइट येलो, तो पूरा वॉश करेंगे लाइट येलो। ऐसे कुछ मिस्टेक हो तो ड्राई ब्रश से वो कलर निकाल दीजिए, जैसे उसमें व्हाइट लगा के ऐसे मत कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमें डोर बनाना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, तब तक ये ड्राई होने तक ग्राउंड रेडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे यहाँ पे ब्राइट कलर लूंगा मैं, शार्प ग्रीन एंड येलो मिक्स करके, और नीचे पूरा डार्क। और थोड़ा डार्क करेंगे शार्प ग्रीन प्लस डीप ग्रीन, नहीं तो आप डायरेक्टली शार्प ग्रीन ही डार्क ले सकते हैं। ऐसे एक ही बार करके ना छोड़ दीजिए, बार बार ऐसे मिस्टेक हुआ करके, बार बार ऐसे ज़्यादा ब्रश घुमाने का नहीं, उससे क्या होता है और ज़्यादा मिस्टेक्स होता रहता है। आपको यहाँ पे कुछ भी गलती हुआ है तो भी कहाँ पर भी करते वक्त वो ड्राई होने तक वेट कीजिए, ड्राई होने के बाद फिर से आपको करने के लिए यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, तब आप किया तो कुछ गलती नहीं होता रहता है, जो गलती हुआ रहता है वो करेक्शन कर सकते हैं तब। अभी वेट रहते ही करते गए तो वहाँ पे बहुत और ज़्यादा गलती होने का चांसेस रहता है। तो मैं ये वॉश मेथड पूरा एक बड़े ब्रश से किया, आप इसमें 6 नंबर ले सकते हैं, 8 नंबर ले सकते हैं, मैंने 10 नंबर लिया था पेज के हिसाब से, मेरा पेज थोड़ा बड़ा है तो मैं बड़ा ज़्यादा ब्रश लिया, आपका पेज छोटा है तो आप 6 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, ऐसे कौन सा भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एनिमल हेयर ब्रश यूज़ किया हूँ, आप सिंथेटिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा डिटेल बनाना है, तब मैंने
टू नंबर ब्रश यूज कर रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पे अभी सेकेंड वॉश करते वक्त, डिटेल बनाते वक्त कलर में पानी कम यूज़ करना है, एकदम मीडियम, ज़्यादा कलर लेना है बस, बहुत भी थिक नहीं और बहुत भी पतले नहीं। ऐसे डोर रेडी किया, कोई बैलेंस के लिए ये उंगली ऐसे रख सकते हैं आप, ये नहीं तो हाथ ऐसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शैडो पार्ट करना है, येलो में ही थोड़ा सा डार्क लिया मैंने शैडो, जो कलर रहता है उसमें ही थोड़ा डार्क लेना है। जहाँ पर भी हम शैडो के लिए ब्लैक ऐसे कुछ भी यूज़ नहीं करना है, जो कलर रहता है उसका ही डार्क शैडो रहता है हमारा। ये वॉल पूरा ही शैडो में है, फिर भी मैं थोड़ा रूफ के नीचे साइड डार्क किया, बाकी सब ब्लर किया। ब्लर करते वक्त आप सिर्फ थोड़ा पानी लेना है, सिर्फ कलर नहीं कुछ नहीं, एक दूसरे कलर के बीच में थोड़ा ऐसे घुमाना है तो ब्लर हो जाएगा एक दूसरे कलर में। अभी यहाँ पे एक ब्रांचेस, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्राउंड में इस बिल्डिंग का शाडो दिखाना है, तो ग्रीन ग्रास है तो डार्क ग्रीन लिया मैंने थोड़ा सा। और थोड़ा यहाँ पे छोटे छोटे ग्रास है तो भी आप ऐसे भी इसको नॉइज कर सकते हैं थोड़ा सा, ये बहुत ही अच्छा दिखेगा आपको वर्क में, आप नहीं किए तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐसे थोड़ा सा करूँ, बहुत हल्के से, जिधर चाहिए उधर उतना ही बस। हो गया हमारा एक सिंपल वाटर कलर लैंडस्केप। तो आपके पास ये सब मटेरियल रहे तो आप घर में कर सकते हैं, नहीं तो जब आपके लॉकडाउन ओपन होने के बाद ऐसे कोशिश कर सकते हैं आप, कलर से ट्राई कर सकते हैं कि वाटर कलर मेथड कैसे करना है।